हेलो एवरीवन, गाइड टू एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस होती हैं वो आपको मिलती रहें और आप उसको देख करके अपने जो आने वाला एग्जाम है UPTET CTET उसमें उससे सहायता ले सकते हैं। और जैसे कि हमने अपनी पिछली पर्यावरण अध्ययन की वीडियो में जो हमने किया था भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता, आज हम उसी का अगला पार्ट लेकर आए हैं, जो जिसमें हमने पिछली वीडियो में अपना भोजन स्वास्थ्य कर लिया था। आज हम स्वास्थ्य और स्वच्छता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें, ताकि उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप उसको भी देखें और उसको भी समझ पाएं, सीख पाएं उससे। ये देखते हैं हमारे वो क्वेश्चन जो कि हमने अपनी पिछली बाल विकास की वीडियो में आपको दिए थे और जिनका आंसर हमें आपको आज बताना था। तो पहला क्वेश्चन था, आकार, सोच, समझ, कौशलों आदि में वृद्धि से तात्पर्य है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए था, विकास और वृद्धि का, ये हमारा राइट आंसर होगा कि अगर आकार, सोच, समझ, कौशल, ये सारी चीजों में अगर ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उसका आंसर जो होगा विकास और वृद्धि, यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ, यही आंसर होगा। खाली लर्निंग से, अधिगम से या वंशानुक्रम तथा वातावरण यानी कि एनवायरमेंट से, इन चीजों से उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा। जब दोनों चीजों का एक साथ ग्रोथ होता है, विकास और वृद्धि का, तभी आकार, सोच, समझ, इन चीजों में भी वृद्धि होती है। और क्वेश्चन नंबर टू था हमारा, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों को कितने दांत निकल आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 दांत, और जो ऑप्शन नंबर सी। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 था, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो जिसका राइट आंसर था वो था इसका ऑप्शन नंबर बी, 350 ग्राम। तो जन्म के समय जो शिशु के मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भोज्य पदार्थ है। बेनिफिशियल फूड्स फॉर हेल्थ, ऑप्शन ए नूडल्स, ऑप्शन बी वसा की अधिक मात्रा वाला, ऑप्शन नंबर सी रेशेदार भोजन तथा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, रेशेदार भोजन, ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि रेशेदार भोजन जो होता है, जैसे गेहूं के आटे की रोटी, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज, फलों और सब्जियों आदि का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब जैसे हमारे लिए हानिकारक जो होता है ऑप्शन नंबर बी है, वसा की अधिक मात्रा वाला, जैसे जिसमें घी, मक्खन, तेल, तला हुआ भोजन, चॉकलेट आदि हुआ, ये हमारे लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छता मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, जो हमारी साफ सफाई होती है कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो आप इसका आंसर बताएं। तो जो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए है 2, ये हमारा राइट आंसर होगा कि स्वच्छता 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि एक पर्सनल हाइजीन, और दूसरा जो होता है सार्वजनिक स्वच्छता, पब्लिक हाइजीन। जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता में हमारा हाथ धोना, शौच के बाद सफाई, त्वचा की देखभाल, शरीर के अंगों की स्वच्छता यानी कि उनकी देखभाल। और जैसे हमारी सार्वजनिक स्वच्छता होती है उसमें वायु का आगमन कैसा है घरों में रोगवाहक, शौचालय की जानकारी, नगर व मोहल्लों में स्वच्छता अभियान चलाना, यही सब हमारी सार्वजनिक स्वच्छता होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। ऑप्शन ए वृद्धि निगरानी से, ऑप्शन बी मध्याह्न भोजन से, ऑप्शन नंबर सी टीकाकरण से या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है टीकाकरण से, ये हमारा राइट आंसर होगा। किसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण कराना है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य जो है वो मुख्य रूप से यह है कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनिस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हिपेटाइटिस बी के टीके लगाना, और जो इसकी जो खतरनाक बीमारियां होती है उन बीमारियों से बच्चों को सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 4, किस कारण विटामिन बी एवं सी निकल जाता है। एक मजेदार क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सब्जी को पकाने से, ऑप्शन नंबर बी छिली हुई सब्जी को धोने से, ऑप्शन नंबर सी सब्जी को रखकर खाने से, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जल्द से जल्द राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है छिली हुई सब्जी को धोने से, यही हमारा राइट आंसर होगा कि विटामिन बी और सी निकल जाता है छिली हुई सब्जी को धुलने से। अगर सब्जी को हम पहले धुलेंगे उसके बाद उसको काट लेते हैं, पका लेते हैं, तो विटामिन सी और बी नहीं निकलता है, पर अगर हम सब्जी को काटने के बाद धुलते हैं तो विटामिन बी और सी सब्जी से निकल जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस होती हैं वो आपको मिलती रहें और आप उनसे ज्यादा से ज्यादा सीखते रहें। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, टेटनिस, टाइफाइड और हैजा रोग है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु जनित है, ऑप्शन नंबर बी विषाणु जनित है यानी कि वायरस से होता है ये, और ऑप्शन नंबर सी दोनों, ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया से, यही हमारा राइट आंसर होगा कि जो टेटनिस होता है, टाइफाइड होता है और हैजा जो होता है वो हमारा जीवाणु जनित है, बैक्टीरियल है ये। क्वेश्चन नंबर 6, निमोनिया किससे संबंधित बीमारी है? आपने सुना होगा कि बच्चों में ज्यादातर ये बीमारी हो जाती है निमोनिया, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय से, स्टमक से, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े यानी कि लंग्स से, ऑप्शन नंबर सी हृदय से, हार्ट से, या छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फेफड़े लंग्स, यानी कि निमोनिया जो है लंग्स से संबंधित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ स्थापित है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप कहाँ स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी देहरादून तथा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है देहरादून, ही हमारा राइट आंसर होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप जो स्थापित है वो देहरादून में है। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए था मुंबई, वो वहां पर क्या स्थापित है? वहां है राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान। ऑप्शन नंबर बी जो था चेन्नई, वहां पर क्या स्थापित है? वहां राष्ट्रीय बहु विकलांग सशक्तिकरण संस्थान है। और नई दिल्ली में जो स्थापित है वहां शारीरिक विकलांग संस्थान स्थापित है। तो आप ये चीज भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत में, लीवर में, ऑप्शन नंबर बी त्वचा में, स्किन में, ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुस में, प्लूरल में, और ऑप्शन नंबर डी किडनी में। तो कहां पर भंडारित होता है? आप जल्द से जल्द इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर में, यानी कि जो विटामिन ए भंडारित होता है वो हमारे लीवर में होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए चावल है, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन नंबर सी मूंगफली तथा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है मूंगफली, हमारा राइट आंसर होगा कि प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो मूंगफली, और करीब 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 10 जून, ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर, और ऑप्शन नंबर डी 1 जून। एक दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 11, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जून, ऑप्शन नंबर बी 31 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 31 दिसंबर, और ऑप्शन नंबर डी 4 मार्च। तो कब मनाया जाता है, आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 31 जनवरी, हमारा राइट आंसर है कि विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन ए मधुमक्खी को, ऑप्शन नंबर बी केंचुआ, ऑप्शन नंबर सी चूहा तथा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है केंचुआ, ये हमारा राइट आंसर होगा कि किसान का जो मित्र कहा जाता है केंचुआ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बनाया गया खाद फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसीलिए इसे किसान का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सुइयों के माध्यम से एक उपचार विधि है, यानी कि एक उपचार विधि है जो कि सुइयों के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन ए हृदय गतिविधि,
ऑप्शन नंबर बी एक्यूपंक्चर, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण शरीर का उपचार तथा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन का पता लगाना। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है एक्यूपंक्चर, ही हमारा इसका राइट आंसर होगा कि एक्यूपंक्चर एक ऐसी उपचार है जो कि सुइयों के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाइपरटेंशन शब्द किस चीज के बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी मधुमेह डायबिटीज, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन तथा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर होगा, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जब बढ़ने के कारण जो शब्द यूज किया जाता है वो हाइपरटेंशन शब्द यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, रेटिना की विश्राम क्षमता की मापन की तकनीक है? ऑप्शन नंबर ए ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी ईओजी इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी और ऑप्शन नंबर डी ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा बताइए जल्दी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ईओजी, ये हमारा राइट आंसर होगा कि रेटिना की विश्राम क्षमता की जो मापन की तकनीक है वो ईओजी है यानी कि इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी है। और जो हमारी ईईजी ईसीजी और ईएमजी है कुछ अन्य तकनीक है जो कि हमारे शरीर के अन्य गतिविधियों को मापन में सहायक है, कुछ अन्य गतिविधियों के लिए इनका भी यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं अब हमारे वो क्वेश्चंस जिनका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर आप उसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शासक कौन होंगे, यानी अब कौन शासक होंगे वहां पर? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी उपराज्यपाल तथा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11 और ऑप्शन नंबर डी 8। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी भी लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, तो इसका आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाल ही में किस राज्य ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के विरुद्ध विधेयक पारित किया है, यानी कि आजकल जो भीड़ के द्वारा कहीं पर मॉब लिंचिंग वगैरह होती है तो उसके लिए किस राज्य ने विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आप उनको देखना ना भूलें और उससे ज्यादा से ज्यादा आप सीख पाएं। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आप इस वीडियोस को देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को देख सकें और इस वीडियोस के माध्यम से ज्यादा सीख पाएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।